पीपल के पेड़ पे चढ़ती नहीं, उसमें भूत रहती है। भूत भी मेरे अस्की से डर खत्म होता जा रहा है मेरा। काम करना पड़ रहा है, मतलब मैं चोरी कर रहा हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और काम पे काम लगाए जा रहे हैं मम्मी वगैरह। अभी मम्मी ने एक बर का पेड़ होता है उस पर जाने के लिए बोला था, वहाँ से उसके एक डंडी लाने के लिए बोली थी, बट वो डंडी मैं ला नहीं पाया क्योंकि पेड़ काफ़ी लंबा था भाई साहब। वहाँ उस पर चढ़ता ना तो नीचे गिरता, तो ये मेरा भाई साहब टूट गया था, एक हो जाती क्रॉस भाई साहब, पूरा टूट गया था। तो अभी मैं अपने दोस्त के घर आ रहा हूँ, उसके यहाँ पेड़ काफ़ी नीचे लगा हुआ है, तो वही तोड़ के दे देगा, देखते हैं उसके यहाँ कितना बड़ा पेड़ लगा हुआ है। चलो चलते हैं। फाइनली इस पेड़ से ये पौधा मिल गया। चलो मम्मी को यहाँ ले आते हैं। भाई जी पेड़ काफ़ी नीचे है, वो पेड़ तो काफ़ी लंबा खड़ा हुआ था भाई साहब, देख के ही शॉर्ट हो गया, मैं इस पर चढ़ूंगा कैसे, और ये काफ़ी नीचे लगा हुआ है। मम्मी यही पेड़ है ना मम्मी बर का? हाँ यही है। मैं पीपल के पेड़ पर चढ़ गया होता, किसी लड़के ने बताया उस वाले पेड़ पर जा और वो वाली पेड़ पर तुझे मिल जाएगा। वो पेड़ आके देखो बहुत लंबा, उस पर आधे पे चढ़ा फिर मैं उतर गया। मैंने सोची यार बहुत लंबा है, गिर पड़ूंगा लग जाएगी। पीपल के पेड़ पे चढ़ते नहीं, उसमें भूत रहते हैं। भूत भी रहते हैं? बर मंगाया था पीपल, कौन ने मंगाया था? मैंने देख ही नहीं पाया, मैं तो उसके ऊपर चढ़ने लगा था भाई साहब, थोड़ा चढ़ा फिर किसी ने मना कर दिया, भाई ये बर का पेड़ नहीं है, उसने उल्लू बना दिया दूसरे। नहीं बर की। अब जो पता पड़ा कि ये है बर का पेड़ तो यही मिल गया, पास में ही मिल गया था, काफी पास में था इसका पेड़। चल ठीक है, अभी मैं नागे आ गया हूँ और अभी मैं खा रहा हूँ खाना। और कल मेरे साथ बहुत ही बड़ा वाला प्रैंक हुआ है, मतलब कल मम्मी ने बोला था मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगी और देखो क्या बनाया, मतलब मम्मी मिलेंगी तो पूछूंगा अभी उनसे। ये देखो भाई साहब, रोटी और चावल और कढ़ी बनाई है, मतलब मम्मी मेरे संग बहुत बड़ा प्रैंक कर दिया। आज मैं सोच के बैठा था कि आज मम्मी पनीर की सब्जी बनाएंगी, बट कोई नहीं, कल बनवाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बनवा के ही मानेंगे। तो अभी मम्मी तो चली गई हैं, मतलब शादी में, रिलेटिव में शादी थी वहाँ पे चली गई, और मैं अकेला घर पे हूँ, भैया भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो अब दोस्त वगैरह तो आ गए हैं और भोग गए हैं मेरे साथ घूमने, चल। तो मम्मी ने तो वही मना कर दिया था घूमने जाने की, फिर भी हम जाएंगे क्योंकि यार अब आ गए हैं तो मना तो कर नहीं सकते दोस्त वगैरह से। तो चलो चलते हैं, कुछ देखते हैं, घूम के आते हैं और खाते हैं पीते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। गाइस मैं अभी आकाश के संग उसका फॉर्म भरवाने आया था कॉलेज का, और यहाँ पे देखो भाई साहब हस्की कितना कर रहा लग रहा है, ये देखो इसका मुंह ही अलग ही लग रहा है। इसके बगल में जाने से डर लग रहा है, इसका मुंह ज्यादा खतरनाक लग रहा है ना इस चक्कर में। अंकल तो बोल रहे हैं खिला लो, बट मन नहीं कर रहा इसे खिलाने का, 1.5 साल का है ये। देखो गाइस ये देखो मछली अलग मस्त लग रही है बाउल में, पहले मैंने ही बाउल में पाली थी बट वो मर गई थी बाउल के अंदर, फिर मैंने एक्वेरियम लिया था। वही अभी लेके आ रहे हो? मस्त लग रहा है, बाहर आया था बेचने। अच्छा बाहर आया था, मस्त लग रहा है, बेस्ट। धीरे धीरे अस्की से डर खत्म होता जा रहा है मेरा, अब तो काफ़ी बगल में आ गए, हाथ नहीं लगा। अगर 1.5 साल का हो गया जी, जैसे इंजेक्शन लग गए सारे, बस मस्त लग रहा है। आधे घंटे से बैठाला रखा है और पता नहीं आने क्या देखे जा रहा है, क्या ले रहा है क्या नहीं, पता नहीं, देखते हैं। और डॉडी ने तो, डॉडी और मेरा तो खैर हो गया, हम दोनों तो कही है, हम तो टेंशन लेते ही नहीं है, टेंशन दे देते हैं वाले। तो भाई अब इसका भी फाइनल हो गया, मतलब कहीं नहीं हो रहा था। और जिवाली अंकल है ना, भाई साहब काफी मस्त है भाई साहब, इनने मेरा भी कर दिया था कल भाई साहब, जो काफी अभी काफी अपसेट हो गया था, बट मैं जिवाली अंकल पे लाया ना भाई साहब, हाल ही कर दिया, मेरा भी कर दिया था, सबका कर देते हैं, ठंडक पाड़ दी। मैंने कहा था ना अंकल मस्त है, अरे आकाश मैंने कहा था ना कि अंकल मस्त है, तूने कहा था यार, तेरी बात नहीं मानी। और मेरे को बाद में भाई साहब इतना डिप्रेशन में डाल दिया था 3 दिन पहले कि तेरा हो ही नहीं पाएगा भाई, यहाँ पे एक मिनट में हो गया था। वाले ने तो भैया वो वाले तो हाथ जोड़े राम राम कर दिया। अभी हम घर पे आ गए हैं और घर पे आते ही मैं नहा लिया, तो काफ़ी कूल फील हो रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था नहाने के बाद। और आज पता है मैं सुबह से मैंने बिल्कुल ही ब्लॉग नहीं बनाया, मैं बीच में थोड़े बहुत ब्लॉग बनाए और कुछ ज़्यादा खास ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि यार सुबह से मेरा सिर दर्द कर रहा है और जुकाम हो रहा है। कि आज के पूरे ब्लॉग में भाई साहब, अरे यार आज के पूरे ब्लॉग में मैं भाई साहब बोला है, मतलब कुछ जो चीज़ें मैं छोड़ना चाह रहा हूँ वो और ही ज़्यादा होती जा रही है, तो हम धीरे धीरे करके इसे कम करते हैं, कैसे भी करके करते हैं।
अभी तक मैंने खाना नहीं खाया और मुझे भूख भी लग रही है, तो अब उस कमरे में आना और खाना लेके आना। उधर देखो कितना सारा अंधेरा हो रहा है, देखो अंधेरा हो रहा है, पापा जी सो चुके हैं, तो अब किचन में आके खाना लेके आना है। तब जाना पड़ेगा चोरों की तरह और लेके आना पड़ेगा। देखो भाई आज कैसा दिन आ गया, अपने घर में ही ऐसे धीरे धीरे से काम करना पड़ा, मतलब मैं चोरी कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है। बट क्या खाना आ गया, मतलब पापा जी जगे नहीं और खाना सांदिक से आ गया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा मुझे। चलो हम इसे जल्दी से फिनिश करते हैं और फिर वीडियो एड करते हैं। अभी खाना खा लिया है और अभी रात के 1:30 बजे का समय हो गया है, तो गाइस बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आता, प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय 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 बाय।